दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेउसा सीतापुर प्रेम बातें के साथ। इस वक्त जो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा अटल चौक, जो अटल चौक आज नाम नया दिया हुआ है, ये श्योता के विधायक चौकीदार का दिया हुआ नाम है रेउसा का अटल चौक, और उनके आवास पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आज शक्ति, नारी शक्ति, महाशक्ति, जिनको सरकार भी जो है तारीफ करती है और श्योता के विधायक भी बड़ा सम्मान देते हैं, उनके आवास की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, जो हमारे चैनल के माध्यम से ये आप लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद है, जो 2 लाख आदमियों के पास मैसेज आएगा। और आप देख रहे हैं टूटी फूटी आवाज़ में आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ प्रेम बात पे, और उन्हीं की आवाज़ पर ये महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हैं। काफ़ी सुबह से शाम तक आज अपनी अपनी प्रतिभा का अलग अलग लोगों में प्रदर्शित किया है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं किस कदर से आज भी हमारी भारत की आज शक्ति नारियां आज भी कहीं पुरुषों से पीछे नहीं है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अग्रणी हैं वो। लेकिन यहाँ पर वो अंजू तिवारी की अगुवाई में कार्यक्रम जो जानकारी में आ रहा है, शायद कि होली समारोह का कार्यक्रम किया गया है। वास्तव में जब देखेंगे तो आप सराहनीय कार्य किया है, जो ये आज शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जन सैलाब के रूप में मात्र शक्ति, ये माताएं और बहनें, इन्होंने वो काम किया है जो आकाश में दीपक दिखाने का काम किया है, वास्तव में सराहनीय है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर अंजू तिवारी से, क्योंकि उनके सानिध्य में और महिला मोर्चा की टीम ने जो वास्तव में कर दिखाया है वो सराहनीय है। जितने भी तारीफ की जाए वो शब्द नहीं है, क्योंकि तलवों की खाल नहीं रह गई है, पैदल चल करके आज पुनः कमल खिलाया है इस गांजर की धरती पर श्योता विधानसभा में, जो वास्तव में सराहनीय है, वंदनीय है। इन लोगों की मेहनत और अंजू तिवारी की मेहनत और उनकी पूरी टीम की मेहनत, जो वास्तव में कर दिखाया है और पुरुषों ने जो दिखाया है, वास्तव में सराहनीय है। बात करेंगे क्या कार्यक्रम था, पूरी जानकारी लेते हैं। जानकारी में तो होली समारोह आ रहा है, और क्या इन लोगों के प्रति इनके क्या कहना है अंजू तिवारी। हम बात करते हैं अंजू तिवारी से। आज यहाँ पे काफ़ी महिलाओं का एक जनसैलाब देखा गया आपके वहाँ, और सुबह से शाम तक काफ़ी थिरकते नजर आए। कौन सा कार्यक्रम था और क्या था, और इन लोगों के प्रति जो पुनः आपको इतना प्यार और दुलार दिया है, एक करीब 20 वर्षों से जो यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा जताया था, उसको जो यहाँ के तिवारी जी को सांड कहते थे, और वो सांड के एवज में आप इस जनता को जो प्यार दिया है, तो जनता को आप क्या कहेंगे और महिलाओं को? असल में होली के 9 वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी महिला बहनों की बहुत इच्छा थी कि होली में हम लोग सब लोग मिल नहीं सके, एक मिलन वाला कार्यक्रम होना चाहिए, इसीलिए सभी महिला बहनों की इच्छा पूरी करते हुए इस जीत के अवसर पर, क्योंकि महिला बहनों का बराबर का सहयोग, बराबर की भागीदार रही है, उनका बराबर का हिस्सा रहा है इस जीत में, तो उनके लिए उनकी सबकी इच्छा थी हम सब लोग होली मिलन कार्यक्रम करें। इसी अवसर पर ये होली मिलन कार्यक्रम हुआ, और कुछ ज़्यादा ही हो गया, रंगारंग हो गया मिल रहा था, और रंगारंग कुछ ज़्यादा हो गया, इसीलिए रंगारंग कार्यक्रम को इस महिला बहनों ने पूरा मतलब दिल से सब लोगों ने एंजॉय किया, और सब लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम मनाया। ये विधायक जी की दोबारा जीत के अवसर का भी कार्यक्रम था, और जो महिला बहनों को जो सम्मान दिया उसका भी कार्यक्रम था। ये होली के अवसर पे हम सब बहनों का एक साथ मिलके एक साथ फिर से होली मिलाने, इसके लिए इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? ये सब मेरी महिला बहनों का प्यार है, तहे दिल से उनका सम्मान है, उन्होंने मेरे साथ दिन रात मेहनत की है, आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लिया है, और उनकी मेहनत के लिए क्या शब्द कहें, उनके मेहनत को तहे दिल से बेर बेर हम दोनों लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका बेर बेर दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और उनके सम्मान के लिए हर समय हम खड़े रहेंगे, ये उनको वादा दिलाते हैं, और इससे ज़्यादा हमारी महिला बहनों को क्या चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना और सीधे से बयान हमारी चैनल के माध्यम से संवाद अंजू तिवारी के, पूरी तरीके से उनकी भावनाएं महिलाओं के साथ किस कदर से चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे, आज भी जुड़ी हुई है और उनके साथ दुख और सुख और कंधे से कंधा मिलाकर देने की बात कही, और काफ़ी आभार प्रकट किया है इस होली समारोह में, जो भव्य और दिव्य काफ़ी रंगारंग अमीर और गुलाल एक दूसरे के गले में और लगाते हुए और उनका अभिवादन करते हुए, हमारी तस्वीरों में आप देखेंगे चैनल के माध्यम से किस कदर से लगता ही नहीं कि ये शायद विधायक की धर्मपत्नी हैं या स्वयं विधायक हैं या चौकीदार हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आम साधारण महिला हैं, ऐसा जनप्रतिनिधि इन जनता ने, इन महिलाओं ने इस गांजर की
धरती ने चुना है, चौकीदार चुना है। आप खुद तस्वीरों में देखकर दंग रह जाएंगे। इनकी व्यवहार कुशलता और सौम्यता जो देखने को मिली और मिल रही है, वास्तव में एक काफ़ी लोगों की एक दिलों की धड़कन और जुबानी चर्चा का विषय। दोनों चौथा के विधायक और उनकी पत्नी बनी हुई हैं, और इतना ही नहीं, उनकी जितनी भी टीम है वो भी घुल मुल कर, बिल्कुल लगता ही नहीं कहीं कोई घमंड या कुछ दिखाई ही नहीं देता है, जो लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से होली मिलन समारोह काफ़ी भव्य और दिव्य, एक दूसरे के गले लगाते हुए अमीर और गुलाल की वर्षा करते हुए आप देखेंगे कितना ये दृश्य सुहाना पल लग रहा है। आज इस योगी और मोदी और ज्ञान तिवारी चौकीदार के सानिध्य और अंजू तिवारी के सानिध्य में
आप लोग